उड़ बाबा हम नारियल पानी बेचता, हम सबको पिलाता, इनको पिलाता और आपको भी पिलाता। हमारा नारियल पानी सबसे मिष्टी जो होता। मुझे बहुत प्यास लगी है। चलो वहाँ चलकर नारियल पानी पीते हैं। भाई साहब बड़ी प्यास लगी है, नारियल पानी पिला दो ना। नहीं नहीं। क्यों? ये नारियल रखे तो है, दे दो हमें। नहीं दे सकता। जाओ, क्यों नहीं दे सकते? तो क्यों उसको देना है? उसे? यानी किसे? ये उसको छुड़ाने के लिए है। आखिर वो है क्या? वो क्या है ना, वो कभी कभी जमीन से निकल कर आता है और जब कहीं निकल कर आता है तो जो भी दुकान वाला है, जैसे फूल वाला है तो फूल चुरा लेता है, और नारियल वाला है तो नारियल चुरा लेता है। लोगों का कहना है कि उसमें भूत है और इसीलिए उसे कोई छुता नहीं है। कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और तुम लोगों को कोई बुद्धू बनाकर फ्री में चीजें ले जाता है। तुम लोगों ने कभी उसे नारियल पानी पीते हुए देखा है? नहीं नहीं, हम तो सिर्फ छोड़कर चला जाता है। हाँ, कोई छुपा हुआ होगा। जब तुम लोग चले जाते होंगे तब वो निकल कर ले लेता होगा। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ। अरे कुछ मत करो। तुम्हारा भूत। किसने जगाया मुझे? कौन है? किसकी आवाज है? क्या है? किसने जगाया मुझे? इसने जगाया आपको? इसने जगाया? तुम लोगों की इतनी हिम्मत? अरे अरे, मार क्यों रहे हो? हम लोग टेबल पर बैठकर भी तो बात कर सकते हैं। टेबल पर बैठकर? इधर का टेबल कहीं दिख रहा है? जोक मार रहे हो क्या? उड़ी बाबा, मोटू तुम अपना मुंह सोच समझ कर खुला करो। अरे क्या जरूरत थी उसे चैलेंज करने की? ऐसे ही हमारे पीछे पड़ा है और तुम उसे और गुस्सा दिला रहे हो। तुम सब इंसान ऐसे ही हो। तुम लोगों की वजह से मैं रेत का भूत बन गया, और अब तुम लोग मुझे चैन से सोने भी नहीं देते। अब मैं तुम लोगों को भूत नगरी ले जाऊंगा। तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे जब तुम भूत बने तब हम यहाँ नहीं थे, और जब तुम सो रहे थे तो हमें पता नहीं था कि तुम सो रहे हो। अरे वो तो मैंने फूंक मारी थी, लेकिन दूसरों की गलती की सजा हमें क्यों दे रहे हो? तुम्हारा मतलब है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? हाँ, गलत कर रहे हो, बेशक गलत कर रहे हो। किसी और ने तुम्हें भूत बनाया, किसी और ने तुम्हें सैंड में सुला दिया। सॉरी बोलो। अच्छा, सॉरी बोलूं? रुको, हाँ, अब भी बोलता हूँ। अब तुम लोगों की बारी। बड़े
भैया कुछ करो ना। मेरी भाई मेरी यार ये लो फ्लाइंग हेलमेट। भागो। रुको, मैं अभी अपने भाई लॉपेटर राम को बुलाता हूँ। हेलो लॉपेटर राम। वो क्या है ना कि हम नदी के किनारे। भूत वाली बात मुझसे की तो नारियल वाले ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। फोन करके टाइम करता है। तुम्हारा लपेटा राम तो तुम्हें लपेट कर चला गया। बाय द वे तुम लोग उड़कर कहाँ भाग रहे हो? हम लोग अपने घर जा रहे हैं। तो क्या मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे? बचाओ, ये तो फिर से आ गया रे। चलो चलकर नदी के किनारे टेबल पर बैठकर बातें करते हैं। नहीं, वहाँ टेबल नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मैं बना दूंगा। अब चलो। आइए बैठिए, बैठ कर बातें करते हैं। लेकिन क्यों? क्या है ना कि मैं रुक रुक कर पिटाई करते करते थक गया हूँ। ये क्या हो रहा है? तो मैं भूत नगरी से अपने कुछ लोगों को बुलाकर आपको सैंपल्स दिखाऊंगा कि इंसानों ने मुझे भूत बनाया है और मैं इन लोगों को भूत नगरी ले जाऊंगा। अगर तुम भूत नगरी जा सकते हो तो जाते क्यों नहीं? क्योंकि जब जाने वाला था और ट्विस्टर आया था तो कुछ आदमी और बच्चे ट्विस्टर में फंस गए और जब तक मैं उन्हें बचाने गया तब तक ट्विस्टर चला गया और मैं यहाँ रह गया और लोग मुझसे डरने लगे। अब जब तक ट्विस्टर नहीं आएंगे मैं नहीं जा सकता। तो क्या ट्विस्टर बना देंगे तो तुम चले जाओगे? चले जाओगे? अरे कैसे बना दोगे? कौन बनाएगा ट्विस्टर? अरे हमारे बड़े भैया साइंटिस्ट हैं, ये यूं बना देंगे। लेकिन हमारे ट्विस्टर की स्पीड बहुत होती है। ओए मेरे भाई भैया रुको, मैं कुछ करता हूँ। ये लो बन गए ट्विस्टर। अरे हाँ ये तो अच्छा है, इससे तो मैं पहुंच जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। बाय। अरे मुझे तो हक किया ही नहीं। अरे अरे घोस्ट भैया रुक जाओ, मुझे हक करके तो जाओ। अरे अरे फाइनली चला गया। पतलो जाओ को भी भूत नगरी जाना है क्या? हमें नहीं जाना है भूत नगरी। भूत भैया तो निकलो यहाँ से। मुझे सब लोग पकड़ लो। ट्विस्टर में सैंड घोस्ट बन गया। नहीं, मैं सैंड घोस्ट बन गया, अब मेरा क्या होगा? अरे मैं ठीक हो गया। क्या देख रहे हो? भूत जी चले गए, अब कभी नहीं आएंगे। सही में? हाँ सही में।